हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिजायर्स। और मैं हूँ प्रेरणा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जो पास में एक नोटिफिकेशन का बेल होगा छोटू सा, उसको भी प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज जब भी मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में। तो आज जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ फॉर हेयर रिमूवल। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो ओके गाइस, सो ये हैं दो प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर रिमूवल के लिए, अपने हैंड्स एंड जो बॉडी के जो हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर, उनको रिमूव करने के लिए। तो वन बाय वन करके मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये है वीट की फुल बॉडी वैक्सिंग किट। जैसे कि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा टीवी पे एड्स आ रहे हैं इसके, श्रद्धा कपूर इस वीट के जो वैक्सिंग किट है उसका ऐड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूँ कि मैंने जब इसको यूज़ करा तो उसके बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैकेजिंग इसकी। तो ये इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये बॉक्स परचेज़ किया था तो इसकी हालत इस तरीके की हो चुकी है, तो नेवर माइंड फॉर दैट। तो ये जो है इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आ जाता है। देन इसकी जो प्राइस है वो है 170 रुपीज़। तो ये 170 रुपीज़ में मिल जाता है और इसमें आपको मिलेंगे 20 वैक्स स्ट्रिप्स जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं आपके हेयर रिमूव करने के लिए, हैंड के, क्योंकि आपको टू या थ्री टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा बार ही यूज़ नहीं हो सकता है। 170 रुपीज़ आपके ओनली टू या थ्री टाइम्स के लिए ही रहेंगे। और ये आता है सेंसिटिव स्किन। हालांकि इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं मार्केट में, बट मैंने ये सेंसिटिव स्किन वाला लिया है जिसमें ऑलमंड ऑयल और विटामिन ई भी मिक्स किया गया है। तो बिकॉज मेरी थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है तो मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। तो चलिए मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसमें ये मिलता है लीफलेट। तो ये है इसका लीफलेट जिसमें सब चीज़ लिखी हुई है कि आपको ये वीट स्ट्रिप्स जो हैं वो किस तरीके से यूज़ करनी है और उसके बाद में कैसे टेक केयर करनी है अपनी बॉडी की। एंड देन इसके साथ में आते हैं ये कुछ वैक्स स्ट्रिप्स, निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ में गाइस आते हैं ये इस तरीके के कुछ वैक्स स्ट्रिप्स जो कि है 20 नंबर्स, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। तो ये इस तरीके से काफ़ी मैसी है बिकॉज ये एक वैक्स स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। तो अगर आप पूरा फुल ऑन एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको कट करके यूज़ करा था अपने हैंड पे, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अगर आप फुल यूज़ करना चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना कैसे होता है, यू जस्ट हैव टू टेक इट इन बिटवीन ऑफ योर पाम्स एंड देन रब इट, एंड देन थोड़ा सा आपकी बॉडी का जो वॉर्म्थ है वो इसको मिलेगा तो ये अपने आप ही यहाँ से जो उसका स्टिकी थिंग है वो निकल जाएगा और आपको अपने हैंड्स के जहाँ के भी हेयर रिमूव करने हैं आप वहाँ लगाइए इस स्ट्रिप्स को, एंड देन ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल कर दीजिए तो आपके जो हेयर हैं अनवांटेड हेयर वो निकल के इसके साथ में बाहर आ जाएंगे। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, जैसे हमारी पार्लर्स एंड सलॉन्स पे हम जाते हैं तो हम अपनी वैक्सिंग करवाते हैं तो ये उस तरीके से पेनफुल नहीं है। बट हाँ, थोड़े से अगर हमारे जो हेयर हैं वो खिंचते हैं थोड़ा सा पेन तो होता ही है, बट इतने ज़्यादा भी पेनफुल नहीं है। हाँ, तो दूसरी चीज़ मैं इसके बारे में बता दूँ कि ज़्यादा आपके अगर बिग हेयर हो चुके हैं तो उसको रिमूव करने के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। 1.5 mm अगर आपकी लेंथ है हेयर की तभी ये थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा आपको। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ही मैसी है। मतलब अब जब आप इसको अपने हैंड्स पे स्टिक करते हैं तो आपके बोथ द हैंड्स बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, स्टिकी स्टिकी सा फील होता है कुछ ज़्यादा ही। तो लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ दी हुई है, उसको हटाने के लिए आप अपने हेयर रिमूव करके उसके बाद में आप ये लगा सकते हैं। इसके अंदर एक शीट मास्क है जो कि ईजिली आपके हैंड पे जो भी वैक्स लगा हुआ है उसको क्लीन कर देगा। तो ये चीज़ इसमें अच्छी दी हुई है जो कि पोस्ट हेयर रिमूवल आपको यूज़ करनी है।
गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस ब्लीच हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में। तो ये तो बहुत ही अच्छी क्रीम है। अगर मैं इस वाले यू नो वैक्स स्ट्रिप्स को यूज़ नहीं करना चाहती तो मैं इस पे ही डिपेंडेंट रहती हूँ ऑलवेज एंड ऑल द टाइम। तो ये तो है, मैंने लिया है ड्राई स्किन के लिए, बिकॉज मेरी कुछ ड्राई स्किन है तो उसके लिए लिया है। ये आपको 110 रुपीज़ में मिल जाएगा और इसके काफ़ी सारी वेरियंट्स हैं। मैं इसका कुछ और वेरियंट्स भी ट्राई कर चुकी हूँ पहले, सारे ही वेरियंट्स काफ़ी अच्छे हैं और ये एडी फ्रेंच की तरह बिल्कुल भी स्मेल गंदा नहीं करता है। इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है तो आप इसको बिल्कुल ही मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं दोनों की कंपैरिजन की बात करूं तो ये वाला जो बीच हेयर रिमूवल क्रीम है ये ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा और यू नो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय इसके। तो आप इसको परचेज़ करने की जगह इसको परचेज़ करें तो ही अच्छा रहेगा। इसकी ट्यूब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके की है। तो ये है इसकी ट्यूब जिसमें लिखा हुआ है बीच हेयर रिमूवल डे ड्राई फॉर ड्राई स्किन। तो ये आता है हमारा 110 रुपीज़ में, काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ जिसमें मैंने ये बीच हेयर रिमूवल की जो किट है उसको यूज़ किया है। तो यस गाइस, यही था मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट इज फुल बॉडी वैक्सिंग किट फ्रॉम बीट कंपनी एंड देन दिस इज द हेयर रिमूवल क्रीम फ्रॉम बीट कंपनी इटसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड आगे बहुत अच्छे वीडियोज आने वाले हैं तो मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल स्टाइलिश। बाय।